नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ जिले के दौलतपुर गांव में मोबाइल यूनिट वैन द्वारा ग्रामीणों को निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। बता दें कि आजमगढ़ के दौलतपुर गांव में ANM वो न्यू नेशनल मेडिकल मोबाइल यूनिट वैन द्वारा प्रत्येक दिन सभी गाँव में यह वैनिटी वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिदिन 60-70 मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है, जहां पर सभी रोगों की संबंधित दवाइयाँ एवं लेप का उपलब्ध, जहां पर सभी ग्रामीणों को दवाइयों और जांच मुफ्त कराई गई। इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर नीरज कुमार, राजेश कुमार चौहान, स्टाफ नर्स विश्वजीत लाल, फार्मासिस्ट रमेश भारद्वाज, लैब टेक्नीशियन अशोक सिंह के द्वारा खून का सैंपल लिया गया और दवाइयाँ भी वितरण की गई। नमस्कार, इस समय मौजूद है दौलतपुर गांव में। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैनिटी वैन लगी हुई है, जहाँ पर चिकित्सा के लिए लोगों को सरकार ने सुविधाएं दी है। यहाँ पर वैनिटी वैन गांव-गांव में जाकर लोगों को दवा दे रही है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनको क्या दिक्कत है और किस लिए दवा चाहिए। तो आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम है। तो क्या क्या दिक्कत थी आपको यहाँ से दवा चाहिए? देख रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट द्वारा सुविधा दी गई है ग्रामीणों को कि आधार कार्ड देकर वो मुफ्त जो है कि दवाएं वैनिटी वैन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सभी गांव में वैनिटी वैन लगाई जाती है बारी बारी से। तो यहां पर दूसरे भी एक लोग हैं, आइए जानते हैं कि इनको क्या दिक्कत है और किस चीज़ की दवा ले। नाम क्या है आपका? अनीता। नाम बताइए कि क्या आप क्या दिक्कत है और किस चीज़ की दवा लेने आई? कमर में दर्द थी, इसीलिए हम दवाई लिए। अब देखते हैं। दवा का कोई शुल्क तो नहीं लिया गया आपसे? नहीं लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि इस समय वैनिटी वैन के माध्यम से जो दवा दी जा रही है उसका कोई शुल्क भी नहीं लिया जा रहा है, जो कि सरकार द्वारा एक निःशुल्क योजना के तहत आप कह सकते हैं कि दवाएं लोगों को फ्री में वितरित की जा रही है। तो हम वैनिटी वैन में इस समय आ चुके हैं और यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर साहब। आइए जानते हैं क्या काम है वैनिटी वैन का और लोगों को किस तरह से फायदा दिया जा रहा है, इसके बारे में जानते हैं। यह नेशनल मेडिकल मोबाइल यूनिट है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के मिश्र से चलाई जाती है। लगभग आज के दिन इसको 3 वर्ष हुए हैं। 3 वर्षों से निःशुल्क सेवाएं ग्रामीण अंचल में करती है। प्रतिदिन 60-70 लोगों को निःशुल्क दवाइयां दी जाती है। पेशेंट का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन के साथ कुछ जाँचें भी हमारे यहाँ नॉर्मल जाँचें सभी होती हैं। 5 लोगों का हमारा स्टाफ है। प्रति महीने 1500 OPD। तो अब तक आप लोग कितने गांव में लगभग ये सुविधाएं दे चुके हैं? अब तक तो 3 ब्लॉक हमारे में दिए गए हैं, छठियाँ, जहानागंज, कौमेर नगर। तीनों ब्लॉक में प्रत्येक माह में 24 दिन हमको OPD करनी होती है।